पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कुनाड़ी पेट्रोल पंप के पास बनाए गए रोटरी सर्किल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गुंजल ने आरोप लगाया कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बिना किसी आवश्यकता से मात्र अपने बेटे की बिल्डिंग को दिखाने के लिए जनता की गाड़ी कमाई के 40 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। इसके लिए पहले बिल्डर को डरा कर उन दुकानदारों को रुपये वापस कराए जिन्होंने बिल्डिंग में अपने रोजगार के लिए दुकानें खरीदी थी। फिर 28 करोड़ से अधिक की कीमती जमीन को 7 करोड़ रुपए में खरीदा, औने पौने दामों में इसकी रजिस्ट्री करवा कर सरकार को राजस्व का चूना लगाया गया। गुंजल ने यह भी कहा कि जमीन पर लेआउट प्लान में भी बदलाव किया गया है। आरोपों के बीच गुंजल ने मंत्री के लिए यह भी कहा कि अगर मंत्री ने माँ का दूध पिया है तो इन आरोपों को गलत साबित कर दे। उन्होंने यह भी कहा कि जब 2 माह बाद सरकार में बदलाव होगा तो हम इस मामले की जांच करवा कर रिकवरी करवाएंगे। लोगों को यहाँ सड़क पर पत्रकार वार्ता के लिए इसलिए बुलाना पड़ा कि ये दोनों पुलिया बनाने में धारीवाल जी का कोई योगदान नहीं था। एक उनके मंत्री बनने से पहले बनी, एक हमने सेंक्शन की, दूध पूरी हमने कराई, उन्होंने आकर जो रोटरी बनाई है और इधर अंडर पास के नाम पर जो यूआईटी के 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जनता हतप्रद है कि आखिर ये हुआ क्या? कोई जाना ही नहीं चाहता, वहां बैरिकेड लगा के जबरदस्ती निकाल रहे हैं। इसके नीचे पार्किंग, इसके लिए मैंने अभी आपको रजिस्टर दिए, सामने की बिल्डिंग में रेरा का वायलेशन था जिसके 2013 के पहले के लेआउट में ग्राउंड फर्स्ट अपर में दुकानें इन्हीं मंत्री जी ने सेंक्शन किया था लेआउट, और रेरा का वायलेशन करने के बाद इसे ब्लैकमेल करके 28,000 स्क्वायर फीट जमीन 1.5 बीघा से ज्यादा कॉमर्शियल अपने बेटे के नाम खरीद ली, कोड़ियों के दाम रजिस्ट्री करा दी जिसकी कीमत 10,000 रुपया स्क्वायर फीट होगी, वो 2,000 रुपये स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री करा दी और 7 करोड़ रुपया उसकी कीमत तय करके रजिस्ट्री करा ली। और रजिस्ट्री में भी ये सरकारी आंकड़ा है, सामने चंचल विहार जो छोटी रोड है 7,000 रुपये स्क्वायर फीट कॉमर्शियल लैंड की रजिस्ट्री कीमत है, या 10,000 होनी चाहिए, इन्हें कुनाड़ी की रेट में 1,000-2,000 रुपये स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री करा ली। कुल मिला के पंजीयन शुल्क का भी कम से कम 2-4 करोड़ का घालमेल कर दिया, और मंत्री ने अपने बेटे की 28,000 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए यूआईटी के धन को 40 करोड़ रुपए को बर्बाद कर दिया, रोटरी बना दी, रोड नीचे उतार दिया, उधर से अंडर पास ले आए, सारे लोग कहीं से भी आओ इस बिल्डिंग के सामने से निकलो, इस बिल्डिंग को देखो, इसकी कीमत बढ़नी चाहिए, ये महत्वपूर्ण बिल्डिंग बन जानी चाहिए, चूंकि इस बिल्डिंग की आधी से ज्यादा कॉमर्शियल लैंड अब मेरे बेटे के नाम हो चुकी है, और मैंने उन दुकानों का लेआउट भी चेंज करके अब हॉल में बदल दिया है, यानी 8-10 साल बाद लेआउट प्लान चेंज कर दिया बेटे के लिए। मैं समझता हूं मंत्री जी, आपको बेटे का भला करने के लिए मिनिस्टर नहीं बनाया, जनता का भला करने के लिए आप धन के ट्रस्टी और मालिक रहिए, आपने 40 करोड़ रुपए के पलीता लगा दिया है, जनता को हिसाब दीजिए, अपने बेटे की प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाने के लिए 40 करोड़ यूआईटी के पलीता लगा दिया, और 10,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन 28,000 स्क्वायर फीट आपने 1,000-2,000 रुपए स्क्वायर फीट में खरीद कर पंजीयन शुल्क के भी आपने पलीता लगाया है। हमारा राज आएगा, जांच करेंगे, पंजीयन शुल्क वसूलेंगे, राजस्व की जो सरकार को हानि हुई है इसकी भी हम जांच करेंगे। बिल्डर को तो रेरा में उलझा दिया, तभी बिल्डर ने दुकान वालों के हाथ जोड़े, मंत्री मुझे मार रहा है, आपकी के पैसे वापिस ले लो, मुझे मंत्री को जमीन देनी पड़ेगी। बताए अगर गलत है तो मंत्री माँ का दूध पिया है तो ये इतनी सारी दुकानों को तोड़कर हॉल में बेटे के नाम लेआउट प्लान कैसे चेंज कर दिया? इस शहर के करीब कम से कम 40-50 लोगों को दुकानें दे दी थी, जबरदस्ती उनका पैसा वापिस लौटाया। आप सत्ता में हो तो रावण हो, आप जो चाहो जो कर दोगे, 50 लोगों का गला दबा दोगे, मार दोगे, उनकी प्रॉपर्टियां छीन कर बेटे के नाम कर दोगे। मैं समझता हूँ ये अन्याय है, इस अन्याय का जवाब मंत्री को जनता देगी। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज, और प्रेस करें बेल आइकन को।